हाल ही में हुई SCO समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। आप जानते ही होंगे कि 2024 की SCO समिट कजाकिस्तान में हुई थी। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। अपने शेड्यूल के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार की SCO समिट अटेंड नहीं की। तो समिट में डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं उन्हें आइसोलेट किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यहां पर पाकिस्तान जैसे देशों की बात की जा रही है। टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से देश अपने राइवल्स को डीस्टेबलाइज करने के लिए टेररिज्म का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान ऐसा ही एक देश है, और इसमें पाकिस्तान को अपने आयरन ब्रदर चाइना का भी सपोर्ट मिलता है। हम जानते हैं कि चाइना कई बार यूनाइटेड नेशंस में अपनी वीटो पावर का मिसयूज करके पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेता है। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एंगेज करता है। इनफैक्ट कई सालों से टेररिज्म पाकिस्तान की कोर पॉलिसी का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान भारत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इंडियन सॉइल पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करके पाकिस्तान भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहता है। उसका इंटेंशन है मल्टीपल अटैक्स के जरिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जिससे भारत में इनस्टेबिलिटी हो जाए, ताकि भारत पीस और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के साथ डायलॉग में एंगेज करने के लिए कंपेल्ड फील करे। हालांकि भारत ने क्लियरली ये कन्वे कर दिया है कि अब पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान के साथ किसी भी डायलॉग से पहले ये प्री रिक्विजिट है कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी के लिए कोई जगह ना हो। सिर्फ तभी पाकिस्तान से कोई मीनिंगफुल बातचीत हो सकती है। ये भारत की टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस अप्रोच को दर्शाता है। भारत की यही अप्रोच हमें SCO समिट में भी दिखी। डॉक्टर जयशंकर ने ग्लोबल कम्युनिटी से अपील करी कि साथ मिलकर ऐसे देशों को एक्सपोज करें जो टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं और यूथ को रेडिकलाइज करते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जयशंकर कोई नई चीज ऐड करने के लिए नहीं कह रहे हैं। SCO का शुरू से ही गोल रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। 2001 में बने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है टेररिज्म को एड्रेस करना। इनफैक्ट टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए 2004 में SCO के अंदर एक अलग से बॉडी बनाई गई थी, RATS। इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ताकि SCO के मेंबर्स आपस में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जॉइंटली काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस करें, टेररिस्ट ग्रुप्स का डेटाबेस मेंटेन करें और टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करें। इस समय SCO के 10 मेंबर्स हैं। इनिशियली 6 मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के परमानेंट मेंबर्स बने। पिछले साल ईरान ने SCO ज्वाइन किया और इस साल बेलारूस SCO का परमानेंट मेंबर बना। ये सभी मेंबर्स आतंकवाद से लड़ने के लिए आपस में तो कोऑर्डिनेट करते ही हैं, लेकिन साथ ही UN जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर SCO के मेंबर्स ही टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट और स्पॉन्सर करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली SCO अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में कहां सफल हो पाएगा। बस इसीलिए ऐसे देशों को कॉल आउट करना जरूरी था, और भारत ने यही किया।